आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के छोले मसाले। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं पूरी, पराठा या चावल के साथ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। छोले मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप छोले को 8 से 10 घंटे के लिए भिंगो के रखा था। अब हम इसे अच्छे से धो के इसका पूरा पानी निकाल देंगे। इसके बाद हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 8 से 10 दाने डालेंगे काली मिर्च के, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 3 तेज़पत्ता डालेंगे, साथ ही में हम 3 टमाटर डालेंगे इसमें, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। अब 1 कप छोले के लिए हम लगभग इसमें 3 कप पानी डालेंगे। अब 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, इससे चने एकदम सॉफ्ट रहेंगे। साथ ही में हम इसमें 1 छोटा चम्मच डाल देंगे नमक। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हम इसे 3 से 4 सीटी आने तक उबाल लेंगे। हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम करके 3 सीटी आने तक इसे उबाल लेंगे। यहाँ प्रेशर कुकर में 4 सीटी लगा लिया है मैंने। अब टमाटर के छिलके को हमें इस तरह से निकाल देना है। अब टमाटर और हरी मिर्च को हम बाहर निकाल लेंगे। और खड़े मसालों को भी हम निकाल लेंगे क्योंकि खड़े मसालों का जो फ्लेवर है वो छोले में आ गया है। अब हम छोले को चेक कर लेते हैं ये पका है या नहीं। 1 छोले को निकाल के इस तरह से प्रेस करके चेक कर लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब टमाटर और हरी मिर्च को हम मिक्सर जार में डाल के इसे पीस लेंगे। अब सबसे पहले हम मसालों का पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो 2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों का पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच हम इसमें घिसा हुआ अदरक डालेंगे और मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब हमने जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे इसमें। सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा है। कढ़ाई में डालेंगे 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप इसकी जगह पे किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें मसालों का पेस्ट डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को लगातार चलाते रहेंगे जब तक टमाटर का पूरा पानी सूख नहीं जाता है और मसालों से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे भूनेंगे। अब यहीं पे हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, मसालों से तेल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला का पाउडर,
सारी चीजों को मिला लेंगे अच्छे से। मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें छोले को पानी के साथ ही डाल देंगे और इसे मिला लेंगे अच्छे से। इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रखें। मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे छोले को पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चम्मच के पिछले भाग से थोड़े से छोले को मैश कर देंगे ताकि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी बने। अब लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे आप गर्मा गर्म पूरी पराठा या राइस के साथ सर्व करें। बिना प्याज बिना लहसुन के भी ये छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।